चुकी है 20-30 माइल पर आवर। सो ये जितने भी ट्रक हमें पास कर रहे हैं ये सारे एम्प्टी हैं। इसके साथ साथ ट्रक स्टॉप है जहाँ पे मैं यहाँ स्टॉप किया है, अंदर नहीं गया क्योंकि टाइम नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार कैसे आप लोग, उम्मीद अच्छे से होंगे। मैंने कर रहा हूँ जॉब के लिए, आज है मंडे, तो सोचा इस मंडे को व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो कमेर, कमेर, वेयर यू गोइंग? तो यार जाते जाते का मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। यार देखो, जितनी भी गाड़ी हैं उस साइड पे, रोड के राइट साइड पे उनका मुंह उस तरफ है, और जो लेफ़्ट साइड पे हैं उनका मुंह जो है वो इस तरफ है, एक डायरेक्शन में। लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है बिल्कुल उल्टी, क्योंकि मैं रात को लेट आ गया था। यूजुअली इस तरह नहीं होता, मैं भी सही तरीके से पार्क करता हूँ। और सामने जो है हमारी नेबर हैं, सुबह सुबह खुद भी गाने सुनती हैं और ज़बरदस्ती हमें भी सुनाती हैं। अब हम अभी जा रहे हैं अपना जो है टर्मिनल, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो आज 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। 7 बजे हैं, 4 घंटे हैं हमारे उसके दरमियान, 3 आवर की ड्राइव है। तो मैं जिस जगह जा रहा हूँ आज, उस जगह का नाम है वॉटसनविल, कैलिफोर्निया। एक वैली है, उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। यार मुझे जब भी प्रॉब्लम आया तो मंडे वाले दिन ही आया, तो आज भी कुछ ऐसा हुआ है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा ट्रक ही नहीं स्टार्ट हो रहा था, फिर मुझे वापस जाना पड़ा जहाँ से मैं आया था, वहाँ से दूसरा ट्रक पिकअप किया, वापस आया, अपना जो सारा सामान है उस दूसरे ट्रक में रखना है अभी। तो टाइम जो था हमारा काफ़ी ज़ाया हो चुका है, 1 घंटा, अभी उसमें फ्यूल भी डलवाना है। तो ये फ्रीवे जा रहा है, इसके साथ साथ ट्रक स्टॉप है जहाँ पे मैं यहाँ स्टॉप किया है, अंदर नहीं गया क्योंकि टाइम नहीं है अभी। तो यहीं से मैं फ्यूल ले रहा हूँ। तो ट्रक तो मैंने स्विच कर लिया था 5-10 मिनट में। प्रॉब्लम ये रहते है कि जैसे अभी मेरा जो फ़ोन चार्जर था वो उस ट्रक में रह गया, मेरे ग्लव्स वगैरह, मेरा जो वार बारोस थी। तो अभी मुझे आई थिंक कुछ नया चार्जर बाय करना पड़ेगा। तो चलिए, जो फ्यूल तो मैंने ले लिया, निकलता हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ अपॉइंटमेंट टाइम से। 2.5 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे हैं मेरे अपॉइंटमेंट में, तो आधा घंटा फ़िलहाल तक तो मैं लेट हूँ। आई होप वहाँ पर कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। सो फाइनली जो हमारी डेस्टिनेशन है मैं वहाँ पहुँच आया हूँ। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, 11 बजे हमारी अपॉइंटमेंट थी। तो हमें यहाँ पर साइड पे पार्क करना है अपना ट्रक, और जहाँ अंदर जाना है ऑफिस, एटलीस्ट हम चेक इन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हमें कॉल आएगी कि कौन सा डोर अवेलेबल है वहाँ बैकअप कर लें। मैं आपको डोर दिखाता हूँ, फिर आप यहाँ से नज़र आए 1, 2, 3 एंड 4। तो इन 4 डोरों में से कोई एक हमें मिलेगा। सो ये है जो लोड हम पिकअप करने जा रहे हैं, एप्पल जूसेस हैं जो हम यहाँ से पिकअप करेंगे। तो
तो मेन वाल ये ऑफिस है, ये क्लोज है, तो हम कुछ ड्रिंक वगैरह बाय कर लेते हैं। इसकी प्राइस चेक करते हैं, 275। तो यहाँ पे करेंगे डॉलर्स इंसर्ट, देखते हैं क्या बनता है भाई। आ गया। ये तो आ गया, और चेंज हमारी यार, इसने सारे मेरे जो पैसे हैं वो कोरस में दे दिए हैं। तो ये एक 25 सेंट्स का एक है कोरर, सो ढाई डॉलर, दो डॉलर्स और 25 सेंट हमें आ गए हैं वापस, हमारे जो डॉलर का बिल का सत्यानाश कर दिया इसने। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फाइनली 2 घंटे बाद मुझे कॉल आ चुकी है ऑफिस से कि लोड हमारा रेडी है, जाना है अंदर ऑफिस, वहाँ पे पेपर है साइन करने हैं और फिर हम गुड टू गो हैं। ओके जी, सो पेपर वर्क हमने पिकअप कर लिया है, एक स्टेट है इंडियाना, ये लोड वहाँ जाएगा। तकरीबन 2500 माइल हैं यहाँ से, तो यहाँ से ट्रेन पे जाएगा आगे, तो हमारा काम यहाँ से अब ट्रेन तक पहुँचाना है। उसके बाद आई डोंट नो कितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में, तो हम अभी निकल रहे हैं, हमारा हो गया काम यहाँ से डन। ज़बरदस्त जा रहे थे 60-65 माइल पर आवर, तो अब हम जा रहे हैं अप हिल, ये बहुत ही ख़तरनाक हिल है, तो अब हमारी स्पीड जो है हो चुकी है 20-20 माइल पर आवर। सो ये जितने भी ट्रक हमें पास कर रहे हैं ये सारे एम्प्टी हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 25,000 किलो लोड है वो हमने उठाया हुआ अभी, तो तकरीबन ये 2 माइल रहेगी और यहाँ पर ट्रक जो है वो ब्रेकडाउन होने का बहुत लज्जा रहता है। मोस्टली ट्रक्स यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे आके जो है वो ब्रेकडाउन होते हैं। सो हमारी जो अप हिल थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, अब जो है डाउन हिल हम जा रहे हैं, तो पुष्पा की तरह वो झुकता नहीं है और हमारा ट्रक जो है डाउन हिल पर रुकता नहीं है, तो उसको बड़ी एहतियात से और प्यार से नीचे उतारेंगे, क्योंकि 4% आई थिंक डाउन ग्रेड है, 3-4 माइल है, तो बिल्कुल ही एकदम से ये जो डाउन हिल स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा ब्रेक्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बाहर भी वेदर जो है काफ़ी गर्म है, आई थिंक 100+ टेम्परेचर है, तो बहुत ही ट्रिक से उतारना पड़ता है ट्रक को, स्पेशली डाउन हिल।
तो हम भी जी करते कराते अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, और राइट साइड पर आप देख रहे हैं ट्रेन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है निकलने के लिए। हम बॉक्स जो है वो लेफ्ट साइड पर ड्रॉप करेंगे। तो लोकेशन है मेरे पास, देखते हैं अगर हमारे जो स्पॉट नंबर है वो खाली है भी या नहीं। तो अब बस जो हमारे पास बॉक्स है कंटेनर यहाँ ड्रॉप करना है, तो फिर हमारा जो काम है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है इसके बाद। तो हम फिर निकलते हैं घर की तरफ। ट्रक मैंने ऑलरेडी पार्क कर लिया है और गाड़ी भी मैंने स्टार्ट कर ली है। यार आपको मैं थोड़ा टेम्परेचर दिखाऊं, गर्मी क्या कर रही है। 104 फ़ारेनहाइट। तेरा 6 बज रहे हैं शाम के, आप कह सकते हैं स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था सुबह, लेकिन एंड अच्छा तो सब अच्छा। और व्लॉग को ख़त्म करते यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा हो सके वीडियोज़ बनाऊँ और अपलोड करूँ। मेरी कोशिश होगी कि एक वीक में 2 वीडियोज़ जो है वो रेगुलर अपलोड हों। तो चलिए जी, फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।